अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट नूट्रास। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज 10। विंडोज 10 में जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होते हैं वो हम मुख्तसर से बयान कर रहे हैं। उनमें से डेस्कटॉप जो शॉर्टकट इस्तेमाल होते हैं, डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन नज़र आ रही होती है उस पे जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती हैं, आज वो हम रीडिंग और बताएंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इसके बाद ये वीडियो को, मालूमती वीडियो को आप जो है ना लास्ट तक देखें, ये बहुत ही अहम होने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम जो पढ़ रहे हैं वो डेस्कटॉप शॉर्टकट है। ऑन विंडोज 10 यू कैन यूज दीज कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू ओपन, क्लोज, नेविगेट एंड परफॉर्म टास्क मोर क्विकली थ्रू आउट द डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, इंक्लूडिंग द स्टार्ट मेन्यूज, टास्क बार, सेटिंग्स एंड मोर। विंडोज 10 में जो डेस्कटॉप शॉर्टकट कीज होती हैं वो हम कीबोर्ड के जरिए कैसे हम मुख्तलिफ शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओपन हो गया, क्लोज हो गया, नेविगेट हो गया, चेंज हो गया, या अपने काम, किसी भी काम को जल्दी परफॉर्म करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की मुख्तलिफ काम के लिए मुख्तलिफ के इस्तेमाल होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। चलो आइए हम अपना वो शॉर्टकट की देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं डेस्कटॉप पे या नई विंडो पे, डेस्कटॉप पे ऑन होता है कि एक तो होता है वो माउस क्लिक वाला रिफ्रेश होता है वो, दूसरा होता है वो कीबोर्ड पे, वो F5 प्रेस करें उससे भी आप जो है ना क्या कर सकते हैं भाई, रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर कंट्रोल प्लस F5 और कंट्रोल प्लस R करें तो रिफ्रेश करंट विंडो जो हो जाएगी, जो करंट विंडो होगी जो नजर आ रही होगी, जो विंडो डेस्कटॉप वो क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F5, ठीक है भाई, कंट्रोल प्लस F5 और कंट्रोल प्लस R। उसके बाद अभी कंट्रोल प्लस Alt प्लस Tab, इस शॉर्टकट की को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस लिए, व्यू ओपन एप्स, अगर आप कोई भी एप्स को ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो हम इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एरो कीज टू सिलेक्ट प्लस स्पेस बार सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स ऑन डेस्कटॉप और फाइल एक्सप्लोरर। अगर आप जो है ना एक से ज्यादा आइटम डेस्कटॉप पे क्या करना चाहते हैं भाई, सेलेक्ट करना चाहते हैं या फाइल एक्सप्लोरर में, तो आप जो है ना एक जो है ना माउस के जरिए प्रेस करके माउस के बटन को, तो उस जहां पर आपने जो भी फोल्डर, जो भी फाइल, जो भी आइटम आपने क्या करना है सेलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर आप घुमाते हैंगे तो वो सिलेक्ट होता जाएगा। अगर आप जो ना शॉर्टकट कीज की मदद से अगर सिलेक्ट करना चाहें तो वो होगा कंट्रोल प्लस एरो कीज टू सिलेक्ट प्लस स्पेस बार, तो उससे वो जो है ना सिलेक्ट होता जाएगा आपकी मर्जी के मुताबिक, जिस को आप चाहें सिलेक्ट करें, जिसको आप चाहें सिलेक्ट ना करें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। आखिर में ये आपका अपना चैनल है, इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, ये जो है ना मालूमाती चैनल है। थैंक यू।